खबर के प्रायोजक है गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। पालघर जिला के वालिऊ में पुलिस ने छापेमारी कर बड़े पैमाने पर सुगंधित सुपारी और गुटखा जब्त करने में सफलता हासिल की है। मिली जानकारी के अनुसार एक टेम्पो में लदी प्रतिबंधित 75 बोरियों से भरा सुगंधित सुपारी और गुटखा जब्त कर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक 8 की तरफ से मुंबई जाने वाली सड़क पर की गई। पुलिस ने शक के आधार पर टेम्पो को रोककर उसकी तलाशी ली तो उसमें रखे सुगंधित सुपारी और तंबाकू मिला। सुगंधित सुपारी और गुटखा तथा टेम्पो की कुल कीमत 11,25,000 रुपए आकी गई है। इस मामले की जाँच पुलिस कर रही है। वहीं पुलिस ने अवैध शराब की दुकान पर कार्रवाई करते हुए शराब और सामान को जब्त किया है। पुलिस ने जमा की हुई सामान की कुल 58,000 रुपए बताई है। यह कार्रवाई वाली पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक प्रकाश बिराजदार के मार्गदर्शन में की गई है। पालघर से इंद्रिश उपाध्याय खबरदार।